नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, एमपीटेट वर्ग 3 की हम सभी तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम पीआरटी भी बोलते हैं। इसकी एग्जाम डेट 10 नवंबर 2024 है, आपको याद दिलाता रहूंगा मैं डेली बताकर। अब ये एग्जाम डेट जल्दी आने वाली है, मैं डेली के डेली टारगेट कर रहा हूँ। आज मेरा 6th डे है आप सबके साथ, और जो हमने 26th डे का जो वो बनाया है पूरा एक प्लान कि हमें 26th डे डेली तैयारी करनी है, और मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा डेली में क्या क्या पढ़ रहा हूँ। तो आज का टारगेट मेरा डिपेंड रहेगा इस पर जो कल का मेरा रिजल्ट आया है मॉक टेस्ट का। आप देख सकते हैं ये पीवाईक्यू किया है 2022 का, इसलिए इसमें 150 में से 125 नंबर आए हैं, क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यू एक साथ पढ़े थे। 5 पीवाईक्यू कम से कम पढ़ चुका हूँ मैं अभी तक, जिसमें सीडीपी के सिर्फ 3 ही पढ़े थे, ईबीएस के 3 पढ़े थे, और 5 भी पढ़े हैं मैथ के, 5 पढ़े हैं 150 क्वेश्चन, ऐसे कर करके क्वेश्चन वाइज पढ़े थे। तो किसी के 90 पढ़े थे और किसी के 150 पढ़े थे। उस ब्याह पर जो भी इस एमपीटेट को समझ में आया था, आज मैंने पूरा इसका जो टेस्ट दिया और फिर उसका मैंने बाद में एनालिसिस किया आज के दिन। तो इसका जो रिजल्ट निकला है उसमें मार्क्स तो ठीक है, लेकिन इन मार्क्स से मैंने आपको कल ही बोला था कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ने देना है खुद पर, चाहे ये 125 के 25 होते 75 होते, कोई मतलब नहीं है इन नंबरों का, क्योंकि हमें जो टेस्ट असली होना है उसको पास करना है। अब इससे जो मैंने एनालिसिस किया था इसका, तो उससे मुझे पता पड़ा है कि जो मेरी ईवीएस है वो अभी वीक चल रही है, और ईवीएस के साथ साथ इंग्लिश, तो इन दो पर अब मेरा नेक्स्ट 5 डेज पूरा पूरा ध्यान रहेगा, जिससे कि जो अगला मैं पीवाईक्यू करूं या फिर कोई भी मॉक टेस्ट करूं, तो उसमें इन दोनों से मुझे ये ना लगे कि ये टफ पढ़ रहे हैं मेरे लिए। हालांकि पूरा पेपर काफी अच्छा था, और जो मैंने आज जो पीवाईक्यू किया था वो वाला पीवाईक्यू नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैंने वही वाला पीवाईक्यू किया था, वरना मैं मॉक टेस्ट करता तो वो जो पीवाईक्यू भले ही बिना पढ़ा हुआ था, लेकिन जो वो सारे अलग अलग शिफ्ट में होते थे पहले, अब उनका क्या है कि भले ही वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उनका जो लेवल है, क्वेश्चनों का जो टाइप है, हर एक वही चैप्टर, तो वो सारे चैप्टर और वो टाइप्स सारे सेम होने के कारण ये मार्क्स आने में थोड़ी आसानी रही, जो 125 नंबर आराम से आ गए। अब बात करते हैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से है वो ये है कि एक न्यूज़पेपर में अभी मैंने हाल ही में पढ़ा है कि 30,000 पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है एमपी में, जिसके लिए ये जो टेट कराया जा रहा है वो इसी कारण से कराया जा रहा है कि जिसकी जो वैकेंसी है 30,000, इनको फिल किया जाएगा, इन्हीं जो टेट पास होंगे उनके आधार पर। तो जब आप ये टेट पास कर लोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस टेट को मेन एग्जाम से रिलेटेड करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है सिर्फ और सिर्फ ये एमपी टेट पास करने के लिए हमको तैयारी करनी है, ध्यान में ये रखेंगे कि आपको तैयारी सिर्फ इसे पास करने के लिए नहीं, मेन एग्जाम को भी पास करने के लिए करनी है। तो आपकी तैयारी पहले से ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पासिंग एग्जाम है, इसको पास तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इसके बाद ये जो 30,000 वैकेंसी पर जो एग्जाम होगा उसमें लगेगी कट ऑफ, और आप सबको पता है कि जब कट ऑफ लगती है तो जिसके नंबर जितने ज्यादा होते हैं उस पर भी उनको डर लगता है कि कहीं होगा या नहीं होगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना है मार्क्स का। अब आज का टारगेट मैंने आपको बता दिया ईवीएस और इंग्लिश के बेस्ड पर रहेगा, तो मुझे इनके पीवाईक्यू या फिर जो इनकी बुक्स हैं उनके नोट्स में मिक्स पढ़ूंगा, बुक्स से पढ़ूंगा ईवीएस की 3rd की और 4th की और 5th की, ये तीनों बुक्स मुझे पढ़नी है ईवीएस की, जो कि एनसीईआरटी की होंगी। तो अभी सारी के मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, केवीएस टाइम पर मैंने नोट्स बनाए थे इनके, तो इनके नोट्स का ही मैं रिवीजन करूंगा, और इंग्लिश के लिए तो इसके जो पैराग्राफ हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़कर स्पीड देखेंगे, और ग्रामर के इसमें जैसे प्रपोजिशन कंजक्शन ऐसे पूछे गए थे तो उनको रिवीजन करना है दोबारा से। तो आज का टारगेट आप समझ गए होंगे क्या है मेरी तरफ से, ईवीएस और इंग्लिश का जो रिवीजन है वो करना है। और आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग से है, और अब मुझे ध्यान नहीं है वो मैंने कहाँ पढ़ी थी, लेकिन अगर जैसे मुझे आप मिलती है तो मैं वो आपको शेयर जरूर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर। जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है वो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका।
अब आप चाहें तो अपना भी जो टारगेट है वो इसी तरह से मॉक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो मेरा टारगेट है वो, वरना आप चाहें तो खुद अपना बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ये जो हमारा डे वाइज डे टारगेट चल रहा है वो ऐसे लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद।